हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शुभम, मैं हाजिर हूं आप लोगों के सामने एक बार फिर से क्लैश ऑफ क्लैन की ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। आज के इस वीडियो में गाइस, जैसा कि आप लोग सभी को पता होगा, क्लैश ऑफ क्लैन में एक न्यू बहुत ही बड़ा ह्यूज चेंजेस और बड़ा अपडेट आने वाला है क्लैश ऑफ क्लैन में। तो इसमें एक न्यू थिंग्स आप लोग को देखने को मिलेगा, सीजन बैंक। आखिर में सीजन बैंक है क्या, इसकी फुल इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद सीजन बैंक से रिलेटेड आप लोग को कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ना यार, बिना कोई समय गवाए हुए। उसके पहले गाइज, हम लोग 100 लाइक की एक्सपेक्टेशन रखते हैं एंड नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए डेली क्लैश ऑफ क्लैन की वीडियो टिप्स ट्रिक एंड लेटेस्ट न्यूज की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने के लिए। सो क्लैशर्स, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सीजनल बैंक जो कि दो अलग अलग टाइप का होने वाला है। पहला सिल्वर टायर के लिए सीजनल बैंक अलग होगा और गोल्डन टायर के लिए सीजनल बैंक अलग होगा। सिल्वर टायर, जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि फ्री का अवेलेबल रहेगा हर एक प्लेयर के लिए, और गोल्ड टायर को परचेस करना पड़ेगा $4.99 में, जो कि इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके ऑलमोस्ट 350 रुपीज़ के बराबर होता है। सो, मैं अभी रिवॉर्ड के डिटेल नहीं बताऊंगा। इनफैक्ट आगे आने वाले वीडियोस में मैं आप लोग को सभी सिल्वर टायर्स और गोल्ड टायर्स के रिवॉर्ड की कंपैरिजन करके एक वीडियो ड्रॉप डाउन कर दूंगा। बेसिकली आज हम लोग सीजन बैंक पे बात कर रहे हैं। तो सीजन बैंक एक्चुअली में है क्या? सीजन बैंक गाइज एक्चुअली एक तरह का बैंक है जो कि क्लैश ऑफ क्लैन में एक तरह से ट्रेजरी का काम करेगा। इस बैंक में गाइज बेसिकली जो भी आप अपने मेन विलेज पे जो अटैक परफॉर्म करके लूट ग्रैब करते हैं, यानी मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोग को समझाऊं, तो जैसे भी आप लोग अपने मेन विलेज पे अटैक पे क्लिक करके आप लोग अटैक परफॉर्म करते हैं और जितना भी लूट आप लोग ओपोनेंट के बेसिस से ग्रैब करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलिए कि 5 लाख के गोल्ड और एलिक्सियर आप लोग किसी ओपोनेंट पे अटैक करके ग्रैब किए हैं, तो 5 लाख डायरेक्टली आप लोग के स्टोरेज में आके कलेक्ट आउट हो सकता है। तो गाइज इसमें अब आपका जो न्यू बैंक आएगा सीजनल बैंक, इसमें अब क्या होगा, 5 लाख जितना आप लोग ओपोनेंट के बेसिस से कलेक्ट किए हैं यानी लूटे हैं, वो आपके स्टोरेज में तो जाएगा ही जाएगा, बट आपके सीजनल बैंक में एडिशनल 5 लाख ऐड हो जाएगा। यानी इसका मतलब एक अटैक में आप लोग को दुगना प्रॉफिट होने वाला है। तो गाइज इसमें इतनी ज़्यादा आप लोग खुश मत होइए, इसमें स्टोरेज लिमिट किया हुआ है। सिल्वर टायर और गोल्ड टायर के लिए यहाँ पे स्टोरेज लिमिट है एक सीजन में। गाइज नॉर्मली आप लोग गोल्ड और एलिक्सियर सिल्वर टायर की मैं बात कर रहा हूँ ओनली 50 लाख तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये मैं सिल्वर टायर की बात किया हूँ और डार्क 50,000 तक स्टोर करके रख सकते हैं। और अगर हम लोग गोल्ड टायर की बात करें तो गोल्ड टायर में गाइज आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टोरेज होने वाला है वो 2,50,00,000 के बराबर होने वाला है। एंड डार्क एलिक्सियर की बात करें तो डार्क एलिक्सियर 2,50,000 तक आप स्टोर कर सकते हैं। ये खास बात गोल्ड टायर में आप लोग को देखने को मिलेगा स्टोरेज में। सो गाइज आप लोग के मन में एक और सवाल यहाँ पे उठा होगा कि जैसे ही बैंक का स्टोरेज फुल होता है हम लोग उस रिसोर्स को कलेक्ट कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है गाइज। बैंक के रिसोर्स को जब सीजन एंड होगा तभी आप लोग कलेक्ट कर पाएंगे, बीच में कभी भी कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ना ही कोई अटैकर्स आपके बैंक के रिसोर्स को लूट के ले जा सकता है, ये प्रोटेक्टेड रहेगा। जब भी आप लोग का सीजन एंड होगा तब आप लोग डायरेक्टली एलिजिबल होंगे ये सभी रिसोर्स को कलेक्ट करने के लिए। एंड मैं आप लोग को बता दूं इसकी कलेक्टिंग की जो सिस्टम होगी दोस्तों, जैसे आप लोग ट्रेजरी से अपने स्टोरेज में ट्रांसफर करते हैं रिसोर्स को, उसी तरह से सेम सिस्टम इसमें भी होने वाला है। आप लोग बैंक से डायरेक्टली अपने स्टोरेज में जैसे अपने क्लैन कैस्टल के जितने भी रिसोर्स होते हैं वैसे ट्रांसफर करते हैं, आप लोग का स्टोरेज फुल हो जाता है तो जितनी बचे हुए रिसोर्स होते हैं वो क्लैन कैस्टल में ही रह जाती है, वैसे सेम टू सेम आप लोग का यहाँ पे बैंक में भी होगा। अब अगर आप लोग का स्टोरेज फुल हो गया है तो जितना भी रिसोर्स बच गया है वो बैंक में ही ऑलमोस्ट बचा हुआ रहेगा। विद इन अ 6 डेज या फिर 7 डेज आप लोग को सारे रिसोर्स को कलेक्ट करना पड़ेगा, वरना सारे रिसोर्स वेस्ट हो जाएंगे। सो गाइज ये सीजन बैंक का सिस्टम मुझे क्लैश ऑफ क्लैन में एक बहुत ही इंस्पायरिंग और बेस्ट अपडेट में से एक लगा है। तो आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और सीजन बैंक से रिलेटेड
कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में रह गया हो तो आप लोग डायरेक्टली मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप लोग को अपने क्वेश्चंस के आंसर विद इन अ 5 to 10 मिनट में मिल जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं गाइज अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, क्लैश ऑन।